कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई भक्त सच्चे दिल से जाते हैं उनकी हर मुरादें पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता की बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने उसके दरबार पहुंच ही जाते हैं। हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी जी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ उनकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गांव वालों व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन भंडारा कर रहा है। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की, तब श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब वह कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने एक गुफा में 9 माह तक तपस्या की। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी पहरा दिए। वहाँ पे माता की चरण पादुका भी है। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान को प्यास लगने पर माता के उनके आग्रह पर धनुष से बांध पर एक पान चलाकर जलधारा को निकाला और इस जल में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा पान गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से भक्तों की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या आपको पता है जिस स्थान माँ वैष्णो ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान आज पूरी दुनिया में भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है, जिनकी एक झलक पाने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उनका शीश भवन से 8 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो भाइयों, ये है माता वैष्णो देवी की स्थापना की संपूर्ण कहानी। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। माँ के भवन तक की यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो कि जम्मू जिले की एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आप जम्मू से बस या टैक्सी द्वारा कटरा पहुँच सकते हैं। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप 500 से 1000 रुपया खर्च करके टैक्सी से कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं।
जो कि एक घंटे में आपको कटरा तक पहुंचा देगी। माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कटरा से शुरू होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो देवी के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पोस्ट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पर्ची लेने से 3 घंटे बाद चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। कटरा से 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। भवन से 8 किलोमीटर भैरवनाथ का मंदिर है। भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, मेरे दिए हुए जानकारी से अगर आपको ज़रा सा भी लाभ मिला हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो अपडेट करता रहूँ। धन्यवाद। जय माँ वैष्णो देवी।